हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज बन रहा है फूल मखाना की सब्ज़ी, बिल्कुल शाही अंदाज में। होटल और रेस्टोरेंट में जो मिलती है वैसी, बिल्कुल शादियों में जो आप खाते हैं बिल्कुल वैसे की वैसी। इसे बनाने के लिए आपको बहुत कम टाइम में, कम मेहनत में, बिना काजू, बिना दही, बिना क्रीम के हम इसको बनाएंगे। बहुत गजब की बनेगी। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यही क्या है मेरा चैनल सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि ऐसी यम्मी टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए यहाँ पर हमें 1 कप फूल मखाना यानी कि फॉक्स नट्स चाहिए, जिसे हम, अभी बारिशों का मौसम है ना, तो इसे हमें इस तरह से एक पैन के अंदर ड्राई रोस्ट कर लेना जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, तब तक हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये रेडी हैं। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है ड्राई खड़े मसाले, तो यहाँ पर 2 ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची, 1 ब्लैक कार्डमम यानी कि काली इलायची, और ये है 15 से 20 ब्लैक पेपर और काली मिर्च, 1 बेल लीफ यानी कि तेजपान, और 7 से 8 मैंने यहाँ पर लौंग और 1 स्पून क्यूमिन सीड और जीरा ले लिया है। फुल मखाना को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 1 कप फ्रेश मटर ये मैंने ले ली है, और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ काट के रखी है, तो 2 अनियन हैं बड़ी साइज़ के जिनको डाइस कर लिया है, 3 टमेटोज़ हैं, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने 2 इंच जिंजर यानी कि अदरक ले लिया है, और ये है 1 स्लाइस ब्रेड का। इसका मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। एक पैन के अंदर हमने लो फ्लेम पर 1 स्पून कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है, और जैसे ही गर्म होता है यहाँ पर हमने जो स्पाइसेस रखे थे खड़े मसाले वो इसके अंदर डाल देना है। कुछ सेकंड के लिए ये मसाले हम इसके अंदर भून लेंगे, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर प्याज काट के रखा हुआ था वो प्याज इसके अंदर डालेंगे, और उसे भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इस तरह से सौते कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसमें हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। साथ ही में जो अनियन, सॉरी टमेटोज, ग्रीन चिलीज और जिंजर था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ सॉफ्ट होने तक यानी कि नर्म होने तक पकानी है, ज़्यादा इन्हें कलर नहीं लेके आना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्लेम को भी इंक्रीज़ कर दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। इसमें थोड़ा सा हम गर्म पानी डालेंगे ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है ये फटाफट से हो जाए, और गर्म पानी के साथ हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 6 मिनट। तब तक चलते हैं हम, हमारी जो ब्रेड हमने लेकर के रखी थी इसे करना है हमें पीसेज में कट, और इस ब्रेड को आज हम काजू, दही, क्रीम, मलाई कुछ नहीं डाल रहे हैं, उसकी जगह सिर्फ ये ब्रेड का जो हम मिक्सचर बना रहे हैं ना ये ग्रेवी के अंदर डालेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनने वाली है। ब्रेड नहीं है तो उसकी जगह आप ये रस्क जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दूध लिया है हमने 1 कप, दूध के अंदर इस ब्रेड को भिगो देना है। बस 2-3 मिनट के बाद इसे डालें ग्राइंडर जार के अंदर, और बिल्कुल स्मूथ सा इसको पीस लें। बिल्कुल ये देखिए आप कितना रिच, एकदम क्रीम की तरह दिख रहा है। तो ये हमारा ब्रेड का पेस्ट रेडी हो गया है। अभी आपको पता चलेगा मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ हमने टमेटोज और अनियन जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं 5-6 मिनट में, और ये जो पानी है ना इसके अंदर, इसको हम थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देते हैं ताकि इसका जो पानी है ख़त्म हो जाए। ओके, चलिए तो इसका गैस हम बंद करते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे इसे ग्राइंडर जार के अंदर, और अब हम इसे भी बिल्कुल स्मूथ होने तक पीस लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ग्रेवी का बेस है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्मूथ ये लग रहा है, ये देखें। अब हम यहाँ पर एक बाउल के अंदर 1 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, और साथ ही में 1/4 स्पून यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ले रहे हैं, और इन्हें हमने यहाँ सेम पैन के अंदर
मैंने 2 स्पून कुकिंग ऑयल गरम किया और उसके अंदर ये ड्राई स्पाइसेस डाल दिए हैं मसाले, और साथ ही में फ्लेम बिल्कुल लो है। और ये रहा हमने जो भी पेस्ट बनाया है ना, वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। जब कभी आपको मौका मिले ना, तो इस सब्ज़ी को आप मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा घर पर। आप मार्केट की जो मखाने वाली सब्ज़ी या शादी वाली जो मखाने की सब्ज़ी है ना, उसे बिल्कुल घर पे बना रहे हैं, और यही तरीका है जिस तरह से ये बनाई जाती है। तो 1 कप जो हमारा मटर था, उसे मैंने कुकर में डाल करके 1 सीटी इसके अंदर ले ली थी, और ये इससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। मटर को हमने डाल दिया है ग्रेवी के अंदर, और इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसी में हम साथ साथ में कुछ चीज़ें हमें डालनी हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चुटकी भर शुगर। कोई भी क्रीम बेस ग्रेवी या करी होती है ना, उसके अंदर में थोड़ी सी जो मिठास होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा शुगर डाला है, यानी कि शक्कर, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है, और इसको पकने देते हैं 5 to 6 मिनट्स, और उसमें ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक हमने एक पेन के अंदर 1 स्पून ड्राई फेनुग्रीक लीव्स को लिया, और इसे ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि सूखी कसूरी मेथी जो होती है वो डालनी है, और इसे 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज होता है, गैस को बंद कर दें। यहाँ पर हमारी जो करी है, इसके अंदर ये बहुत थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए 1 कप मैंने गर्म पानी डाला है। और मखाने की जो सब्ज़ी होती है ना, मखाना खुद इसका जो पानी होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें इसकी ग्रेवी को ज़्यादा थिक नहीं रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। फुल मखाना अब हम इसके अंदर डाल देते हैं, और साथ ही में हमने जो भी कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट किया था वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। कसूरी मेथी इसकी होती है ना कि किसी भी सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए इतनी सी कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमने कसूरी मेथी भी डाल दी है, और इसे कर लेते हैं एक बार मिक्स। यहाँ पर जो मखाना होता है उसे डालने के बाद हमें इस सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। इसी बीच में हम यहाँ फटाफट से जो ब्रेड और दूध का मिक्सचर हमने बनाया था वो डाल दिया है, जो करेगा इसके अंदर बिल्कुल मैजिक का काम। आप देखें, यहाँ पर ग्रेवी एकदम से थिक हो जाती है, दिखने में बहुत रिच लग रही है, खाने में तो ये और भी बढ़िया बनी थी। तो दिख रही है ना आँखों को, बहुत ही मज़ेदार हमारी करी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और करियंडर लीव्स डाल दिए हैं, ताकि टेस्ट और भी बढ़िया आए। और नमक डालना नहीं भूलना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें लास्ट में हमने सॉल्ट डाल दिया है, और इसे कर लेते हैं मिक्स, और गैस को करते हैं बंद, और चलते हैं प्लेटिंग के लिए। तो ये देखें, शादियों वाली जो बिल्कुल शाही वाली हमारी मखाने की सब्ज़ी है, ये बढ़िया सी बन करके तैयार हुई है। नेक्स्ट टाइम आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। किस किस ने शादियों में मखाने की सब्ज़ी खाई है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते फ्रेंड्स, आप सभी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, कई बार हम घर में खाना बनाते हैं और खाना बच जाता है, बाद में हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा अपने आसपास उन लोगों को ज़रूर देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है, कोशिश करें वो खाना उन तक ज़रूर पहुंचे। फुल मखाने की सब्ज़ी कैसी लगी है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।